हाय एवरीवन वेलकम टू डी फिजिक्स प्लेटफॉर्म सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस जून 2024 सो so, जो हाला जो हालांकि रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है ट्वेंटी जुलाई का तो उसके रिगार्डिंग हमने पोल भी क्रिएट किया था कि पेपर लेवल कैसा था सो so, अगर हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो या फिर एक एवरेज अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा वोटिंग किस चीज़ को आई है दैट इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था ठीक है वो कम्प्लीटली ईजी भी नहीं था बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था द पेपर वॉज मॉडरेट हाँ अब ये बात है कि अगर आपको पर्सनली बहुत ईजी लगा होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर बहुत ईजी था या किसी को पर्सनली डिफिकल्ट लगा होगा तो दैट डजेंट मीन द ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट था क्योंकि मैटर ये करता है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स को सामने रखते हुए ओवरऑल पेपर कैसा था सो अकॉर्डिंग टू अस द पेपर वॉज मॉडरेट एंड उस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने डिराइव करा है एंड जो आपके स्क्रीन के सामने सो लेट्स सी व्हाट दिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है इसका मतलब ये जो कट ऑफ हमने यहाँ पे दिया है इसमें कुछ चीज़ें प्लस माइनस हो सकती है ये एक्सपेक्टेड ये हमारी तरफ से कट ऑफ है जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली exactly यही लगने वाला है कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती है बट इट इज़ वॉट वी आर थिंकिंग कि ऐसा लगना चाहिए पेपर के क्वेश्चन क्योंकि मोर देन फोर्टी प्लस क्वेश्चन हम तक पहुँच चुके थे तो वो सब क्वेश्चन को देख के उसका लेवल देख के उसको सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा रियलाइज हुआ है कि इतना कट ऑफ जा सकता है ठीक है बाकी थोड़ा ऊपर नीचे होने के चांसेस डेफिनेटली है सो लेट्स स्टार्ट विद दिस जे आर एफ कैटेगरी तो जे आर एफ के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे हो सकती है दैट इज एटी सिक्स टू एटी नाइन ठीक है 86 सिक्स टू एटी के दौरान या इसके बीच में ये आपकी कट ऑफ लग सकती है या फिर मिनिमम जाएगी तो 86 जा सकती है मैक्सिमम जाएगी तो नाइन जा सकती है दिस इज वॉट वी आर थिंकिंग देन अगर हम ओ की बात करें तो ओ का कट ऑफ ऑफकोर्स जनरल से थोड़ा कम ही रहेगा दैट इज 80 सॉरी 77 सेवन टू सेवेंटी ये ओ का कट ऑफ लग सकता है ई का कट ऑफ ओ से स्लाइटली लेस ठीक है थोड़ा सा ओ से कम होता है तो यहाँ पे वो 75 फ़ाइव टू सेवेंटी एक्सपेक्ट किया जा सकता है ई को थोड़ी सी छूट मिलती है ओ से तो ओ से सो यहाँ पे अपन को ये लग सकता है कि इतना लग जाने के चांसेस है बाकी अगर हम लोग एस कैटेगरी की बात करें तो 62 से 65 तक चांसेस है एस कैटेगरी के लिए 53 से 55 एंड पी इस कैटेगरी के लिए 52 से 53 थ्री कट ऑफ जाने का चांसेस है अब कुछ और चीज़ें बताना चाहती हूँ जैसे कि ये जो कैटेगरी है एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी एंड दिस कैटेगरी दिस एस टी कैटेगरी एंड पी डब्ल्यू डी कैटेगरी इनके लिए मिनिमल कट ऑफ फिफ्टी ही जाता है मतलब इससे नीचे कभी जा नहीं सकता ठीक है मतलब चाहे एक भी स्टूडेंट फिफ्टी के ऊपर क्वालिफाई नहीं कर रहा है मान लो फिफ्टी के ऊपर स्कोर नहीं कर रहा है तो कोई भी क्वालिफाई नहीं है तो इन कैटेगरी के, के लिए मिनिमम फिफ्टी का क्राइटेरिया लगता ही लगता है एंड अगर हम लोग ओपन एंड जनरल की बात ओपन सॉरी जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी की बात करें तो इनका मिनिमल एल का क्राइटेरिया होता है सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स तो चाहिए चाहिए सिक्सटी सिक्स से नीचे कभी जाता नहीं है ठीक है तो अगर हम एल की बात करें तो एल के लिए यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग जनरल कैटेगरी के लिए दैट कट ऑफ विल गो टू एटी टू एटी थ्री फॉर दी ओ बी सी वी कैन एक्सपेक्ट दिस इज़ सिक्सटी नाइन्स टू सेवेंटी वन एंड फॉर ई डब्बू एस वी कैन एक्सपेक्ट थोड़ा सा इससे कम सिक्सटी एट टू सेवेंटी फॉर एस सी इट इज़ फिफ्टी सिक्स फॉर एस टी फिफ्टी फिफ्टी ठीक है ये वाला तो श्योरली फिफ्टी फिफ्टी ही जाना चाहिए ये वाला तो इससे नीचे कभी नहीं जा सकता ठीक है दैट इज़ द मिनिमल मार्क्स अब यहाँ पर तीसरी कैटेगरी लॉन्च हुई है जो कि रिसेंटली लास्ट ईयर जिसका अनाउंसमेंट भी हुआ था कि अपार्ट फ्रॉम जे आर एफ एंड एल एस एक और कट ऑफ लगेगा दैट इज़ पी एच डी क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में उनका खुद का एंट्रांस एग्जाम होता था जैसे पेट यहाँ पे होता है तो अब ऐसे एग्जाम जो यूनिवर्सिटीज अपनी खुद की इंट्रांस एग्जाम रखती थी पीएचडी एडमिशंस के लिए तो अब वो बंद होने वाली है उसके लिए नेट के थ्रू ही एडमिशन होने वाला है एंड वी नो दैट कि सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ होगा जो पी एच का वो एल से भी कम होगा मतलब एल के जस्ट नीचे होगा अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर मैंने माइनस फोर किया है जैसे एलएस का मिनिमम कितना जा सकता है एटी एटी माइनस फोर करेंगे तो सेवेंटी सिक्स मतलब अगर आप एल नहीं होते हो मान लो लेकिन अगर आपके मार्क्स सेवेंटी सिक्स से ऊपर है तो आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो पीएचडी के लिए बट यू आर नॉट जे आर होल्डर और यू आर नॉट एलएस होल्डर आप जे आर होल्डर नहीं हो ना ही आप लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हो बट आप पीएचडी कर सकते हो थ्रू दिस कट ऑफ ओके सो यू कैन डू पीएचडी थ्रू दिस कट ऑफ अगर आपके एलएस से भी नीचे मार्क्स आते हैं तो ठीक है तो दिस इज अ न्यू क्राइटेरिया जो इस साल से अप्लाई होगा तो पहले जो भी यूनिवर्सिटीज़ का खुद का इंट्रांस होता था वो नहीं होने वाला इसके थ्रू ही आपको पीएचडी को एडमिशन मिल सकती है सो हु आर विलिंग टू ऑफ कोर्स आपको जेर से भी पीएचडी को जाने का चांस है एलएस से भी है ये अभी तीसरा गेट ओपन हो चुका है जहाँ से आप पी को एंटर कर सकते हो ऑफ कोर्स यहाँ से सब जगह पर मैंने माइनस फोर किया है जैसे कि सिक्सटी का माइनस फोर किया है मतलब एक्सपेक्टेड है अभी इस ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है तो देखते कितना कम करेंगे वो कट ऑफ तो वी जस्ट फील दैट कि माइनस फोर टू फाइव कर सकते हैं मतलब सेवेंटी सिक्स से लेके एटी तक जिनके मार्क्स आएंगे तो उनको पी के लिए एडमिशन मिल सकती है तो सब में माइनस फोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फोर या फाइव मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो तो यहाँ पे सिक्सटी फाइव यहाँ पे सिक्सटी फोर फिफ्टी टू और इनका फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव सो दिस इज एक्सपेक्टेड कि इतना लग सकता है पी के लिए कट ऑफ ओके सो यह था हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ एज आई सेड इसमें कुछ चीज़ें प्लस माइनस हो सकती है सो डेफिनेटली विल वेट फॉर दैट रिस्पॉन्स की आने पर और थोड़ा अच्छे से पता चल जाएगा एंड दिस इज़ इट अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो वन मोर अनाउंसमेंट इज देयर कि न्यू बैच जो है दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ अगस्ट जो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो एंड हेयर आर द डिटेल्स यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड यू कैन डाउनलोड दी एप्लीकेशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सो यू कैन गो टू दिस कोर्सेज वन ईयर कोर्स इज रिकमेंडेड फॉर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दी नेट गेट जस्ट एग्जाम देन दिस वन ईयर कोर्स इज रिकमेंडेड यू कैन गेट दिस कोर्स टू दी एप्लीकेशन एंड ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच